अभिषेक चाहता था कि ये फिल्म बने विथ और विदाउट हिम, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट इट हैज़ टू बी मेड विथ हिम एंड द कैरेक्टर इज रिटन विथ हिम इन माइंड, इट्स रिटन फॉर हिम. द्रोणा इज अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन इज द्रोणा. आज आपको वो बनना होगा जो आपकी असली पहचान है, द्रोणा. ये एक कैरेक्टर था, एक सिचुएशन थी प्लॉट की, और एक सिचुएशन था जिसे एक फीमेल कैरेक्टर ही आगे बढ़ा सकता था. इस फिल्म में हमने हर टेक्नीशियन, हर आर्टिस्ट जिन्होंने इस पिक्चर पर काम किया है, वो हम चाहते थे कि वो इस फिल्म में और इस किस्म के सिनेमा में बिलीव करें, और उसी बिलीफ के साथ अभिषेक ने मुझे कहा कि क्यों ना हम प्रियंका से बात करें. तो मैंने प्रियंका को फ़ोन लगाया और वो रोल सुनने के लिए, स्क्रिप्ट सुनने के लिए तैयार हो गई. अभिषेक का भी काफ़ी योगदान था प्रियंका के कैरेक्टर में. धड़कन धड़कन बिखरे बिखरे से इस फिल्म में फैमिली और लेगेसी के बारे में पूर्वजों की बात की जाती है. मैं चाहता था कि ये जो कैरेक्टर है अभिषेक की, मदर का जो रोल है, जयती देवी का जो रोल है, जय आंटी प्ले करें. जो मैंने फाइंड आउट किया जब मैं जय आंटी को रोल सुना रहा था, और जब वो सेट पे आई और जब वो शॉट दे रही थी, कि अच्छे एक्टरों को बहुत कम बोलने की ज़रूरत है. आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा. इस फिल्म का म्यूजिक एक मेरी कोशिश है कि क्योंकि इस फिल्म की विजुअल्स एकदम ही एक डिफरेंट जॉनर के हैं और फैंटेसी फिल्म है, मैं चाहता था कि इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो कानों को एक नया साउंड दे और एक फ्रेश अप्रोच हो, एक नई किस्म की मेलोडीज हो, थोड़ी वेस्टर्न क्लासिकल हो, थोड़ी इंडियन क्लासिकल हो. अगर आप देखें तो इस फिल्म में दो गाने हैं जो कम्प्लीटली इंडियन मेलोडी के हैं, बंदगी और नन्हे नन्हे, जो मेलोडीज आर कम्प्लीटली इंडियन, बट उसकी जो साउंड प्रोडक्शन है, जिस किस्म से ध्रुव घानेकर ने उसे सजाया है, वो इंटरनेशनल लेवल पे. धड़कन धड़कन बिखरे बिखरे से चैना मिलो चली है गुमसुम ये खामोशी, कितना भी समझाऊं मन ये माने ना. एक डायरेक्टर के लिए उसकी हर पिक्चर एक ड्रीम प्रोजेक्ट होती है, क्योंकि वो उसका एक ख्वाब होता है, इसलिए वो उसे बनाता है और ये उम्मीद करता है कि लोगों का मनोरंजन कर पाए. Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.